में वापस आ गया हूँ। अब आपको बताऊंगा किस तरह से सैनिटाइज अपने घर को करना है। तो शुरुआत सबसे पहले आपको अपने घर से ही करना है, तो घर से बाहर से शुरू करना है। बाहर से शुरू करने का मतलब है आपके पास है कार, अपने जो भी टू व्हील्स है, अपने जो जूते हैं, अपने जो भी चीजें जो आप बाहर आने जाने में यूज करते हैं उसको सैनिटाइज करना बड़ा ही जरूरी है। इसके लिए आप अपने जूतों को पहले धो लीजिए, धोने के बाद उसे धूप में रख दीजिए। जहां भी धूप मिले आपको, सड़क पे कहीं पे भी धूप मिले वहां उसे धूप में रख दीजिए। और सेकंड बड़ी बात यह है, अपनी व्हीकल, ये सबसे बड़ा जम्स का डब्बा होता है जिसके अंदर दुनिया भर के जम्स होते हैं, तो उसको सैनिटाइज कैसे किया जाए। अभी बड़े मार्केट में लोग आ रहे हैं, हम आपका गाड़ी धो देंगे, ये कर देंगे, सैनिटाइज कर देंगे, पर वो बड़ा महंगा है। तो सबसे सस्ता और नेचुरल तरीका है इसका, आपको आप अपने कहीं भी जहाँ धूप मिले, पहले लोग छाँव में रखने के लिए दौड़ते थे, अभी आपको जहाँ भी धूप मिले वहाँ धूप में खड़ी कर दो, पूरे दिन के लिए शीशे बंद कर दो, वो अपने आप सैनिटाइज हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर वो सैनिटाइज हो गई फिर भी वो सिर्फ सैनिटाइज होगी, उसके ऊपर से धूल या उसके अंदर जो डैशबोर्ड है आपका उसमें धूल है, उसमें से जो गंदगियां है, जो खराब जो आपने हाथ लगाया हुआ है, किसी चीज का दाग धब्बा है, वो नहीं जाएगा। उसके लिए आपको जो मैंने आपको सैनिटाइज बनाना सिखाया था उससे आप साफ कीजिए, तो तभी वो बढ़िया से साफ हो जाएगी। पर सैनिटाइज करने का सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका है, आप अपनी कार को पूरे दिन के लिए धूप में छोड़ दीजिए और वो सैनिटाइज हो जाएगी। अगला वीडियो मैं नेक्स्ट जल्दी ही लेने के आऊंगा। थैंक यू।